ग्रोसरी मॉल है शाहदरा में। हाँ, और बच्चे जिद कर रहे हैं कि झूला झूल रहा है, तो बच्चों को आज घुमाने ले जा रहे हैं। वैसे जाते नहीं है, रानी को कुछ काम था तो रानी इसलिए नहीं गई, और हमको जाना पड़ रहा है। रानी कह रही थी बच्चों को घुमाना, हम कभी बाद में चलेंगे, मगर ठीक है। इनको देखो, इनकी जिद है ये बच्चों की कि आज हमें घूमना है। मैं चलो मैं भी घूम लूंगी तुम्हारे बहाने। ये घुमाते तो हैं, जो ऐसे घुमाते हो नहीं नहीं घुमाते ये बोलता नहीं, नहीं हम बोल चुके हैं। देखिए चलो पहले हम अंदर जा रहे हैं। राघव चलो, आप जैस नहीं जा रहा था, चल जल्दी पहुंच चुके हैं। आओ आओ किधर। दीदी हमें मिली है, अभी घुसे हैं इसमें मॉल में, तो दीदी मिली है। दीदी कह रही है आप वीडियो बनाते हुए। अच्छा नहीं है ना, जानने वाले देखा, जानने वाली मिली है वो दीदी। वाह कितना सुंदर मॉल है ये, मैं तो पहली बार आई हूँ। चलो कहाँ चलो है, चलो अभी चलो कहीं घूमते हैं। आओ चलो कहीं, तो शॉपिंग करा रहे मुझे मोहल्ला के हैं देखना। बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन रानी होती तो और ज्यादा मजा आता ना। बहुत मजा आता। रो रहा है जैस, क्या हंस रहा है? चलो वीडियो बना दो। हाँ घूम लिए, वाह वही जैस रह गया अभी पीछे, जल्दी आओ। पीछे बैठो, शायद बैठ सकते भैया तो दोनों में। दोनों बैठ जाओगे तुम, जय डर लगेगा तो नहीं आपको है जैस? डर 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 मजे। वो जैस बैठ गया, कह रहा मैं बैठ जाऊंगा, मैं चलो कोई नहीं बैठ जाऊं मैं। जैस मेरी गोदी में आएगा, जैस मेरी गोदी में आओगे? नहीं भाई के साथ बैठोगे या मम्मी के साथ? अभी रुक जाओ, पहले बैठ जाओ ट्रेन में, तू बैठ जा दिल्ली के। हाँ तो बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ झूलना है उस पर भी झूलेंगे, पहले बैठो ट्रेन चलने वाली है तुरंत, आराम से बैठो। दोनों भाई पकड़ लो, पापा भी और जैस आइसक्रीम। मैडम को देख के आई हैं, वो ऑफिस में है कि नहीं है? राघव जल्दी करो, ट्यूशन भी जाना। मैं घर पहुंच चुकी हूँ, बच्चों को लेकर ट्यूशन ये चले गए, बैग पीछे से भिजवा दिया। रानी बर्तन धो रही है, रानी ने सब्जी बना ली, सब्जी बनाई थी मैं कहीं गई थी, ये मेरे से कह रही थी चल फोन करके, चाय बना के रखे मुटकी ने मेरे लिए। बताना हम कैसे घूमे आज बच्चों को, इसमें बताना आज हमारा ब्लॉग कैसा था, कैसा नहीं थी। लाइक सब्सक्राइब। तू कहाँ जा रही है? मैं तो अभी आई हूँ, जब तू घूमने गई। हाँ? जब मैं कहीं गई थी काम से। हाँ? अब हम दोनों कहीं जा रहे हैं, इनका कुछ खाने का मन कर रहा है, अगर कोई नहीं मैं तुम्हारा सहारा हूँ। हाँ मैं साथ दूंगी खाने मैं में, मैं खिलाऊंगी कुछ। राघव
राघव जैसे स्कूल ट्यूशन गए, राघव जैसे ट्यूशन गए ना तो वो जरूर जाते। चलो कोई बात नहीं, रूम पे आने से पहले चलो। कितना डर है जीजा को उनका। वो जीत कर देते हैं ना तो ये परेशान हो जाते हैं जीजा। हाँ। मारता तो इसका मुंह बनता, नहीं दिलाता तो उनका मुंह बनता। हाँ, यही है बस इनका डर। चलो आ जाना टाइम से थोड़ा। ये बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारे मंदिर है यहाँ पे। और ये आपको दिख रहा है पीछे बाजार लग रहा है, वो बाजार लग रहा है हमारे यहाँ पे, सोम बाजार लगता है। ये देखो मेरे बैठने के लिए सीट साफ कर रहे हैं। करो करो जल्दी जल्दी साफ, अच्छी तरह करना। रस्ते में दीदी का घर पड़ता है, हमारी बड़ी वाली दीदी का, तो अब हमने प्लान बनाया है कि वो भी हमारे साथ चलेंगी। उन्होंने फोन कर दिया कि भाभी आ जाओ घूमने चल रहे हैं, मतलब कुछ खाने चल रहे हैं कपूर का, तो अब हम दीदी के घर जा रहे हैं। तो मिलते हैं दीदी के घर, दीदी को सरप्राइज देते हैं। देखिए जीजा दीदी के घर आ गए, जीजा रस्ते में मिले थे। अरे ये मेरे को मार रहे हैं कि वीडियो क्यों बना रही है, देखो मार भी दिया। और दीदी आई हुई है यहाँ पे, अंशु जिस दिन छिन गया ना उस दिन पता पड़ जाएगी। क्या वीडियो बना, ब्लॉग बना रहे हो? क्यों इतनी सुंदर तो लग रही है तू, और क्या। दीदी ने भी झूठ बोल दिया रस्ते में, क्या नहीं दीदी ने, नहीं सॉरी जीजा ने बोल दिया आजा चल देंगे। मैंने बोली। और यहाँ आके देखा तो ये दीदी के घर पर गेस्ट आए, इसलिए नहीं जा रहे। दीदी का फिर किसी दिन चलेंगे, जीजा की बहन है हमारी दीदी है। और फिर दीदी कह रही फिर किसी दिन चलेंगे। अंशु कह रही है कि रेमो से रहने दो, यही रहो, यही बना के खिला दूंगी। झूठ बोलने में क्या जा रहा है, चालू झूठ बोलने में क्या। अरे नहीं यार मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। और चलो तो फिर हम निकले, जब तुम नहीं जा रहे हो तो बाद में आराम से। हाँ यही टाइम कर दो फिर, हम इनका कुछ खाने का मन कर रहा है। बंद हो जाए। देखिए जी हम आ गए, खाना मतलब इडली डोसा का मन था इनका, तो हम त्रिलोकपुरी आए। त्रिलोकपुरी मेरी भतीजी रहती है, मेरी बड़ी भाभी रहती है, भाभी और हम इसे लेके आ गए, मेरी भतीजी रहती है ये। तो मैंने सोचा कि रितिका को भी हम लेके चले, उसको ज़्यादा पता है कि कहाँ पे अच्छा मिलता है। हमने बोला था इसको डोसा खाने के लिए, लेकिन ये कह रही है मैं बड़ा खा लूँगी। खाना खा चुकी थी इसलिए, तो इनका मन काफ़ी दिन से था इडली डोसा वगैरह खाने का, और त्रिलोकपुरी में अच्छा मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पे आए। आ जाओ जी आप भी खा लो, चटनी लगा कर दे, पालो से आप भी खा लो जी। हेलो भाभी का फोन आ रहा है कि दुकान खुल रही है या नहीं, 10 बज रहे। अब तुम्हारा अच्छा लग रहा है, शांति मिली तुम्हें? इनका काफी दिन से मन कर रहा था कि मैं इडली डोसा खाऊंगा, तो हम खा लिया। अब हम जा रहे हैं, ये पैसे वैसे दे रहे हैं, और हम देखो झिलमिल से त्रिलोकपुरी आए। ये सर मार रही है ब्लॉग मारने के लिए। झिलमिल से त्रिलोकपुरी आए हम, इनका काफी दिन से मन कर रहा था इडली सांभर खाने का, तो मैं कहा चलो खिला देते हैं। ये मेरे से फिर फोन करके अचानक ही कहने लगे चलो खा के आते, क्योंकि यहाँ पे फेमस है ना, यहाँ अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है, तो हमें तो पता नहीं था, हम ना आते ना जाते ज़्यादा। ये मेरी भतीजी है तो इसको पता था, फिर हम इसको पहले घर से लेके आए, घर गए, फिर घर से लेके आए, घर पे चाय वाय पी, उस चीज़ का हम ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि भाभी से मैं काफ़ी दिन में मिली थी, और ना भाभी को आपको दिखाया, फिर कभी किसी दिन दिखाऊँगी भाभी को आपको सबको, क्योंकि वो भी हम गलत टाइम पर गए थे ना, सब लेटे बैठे थे खाना वाना खा के। तो
अब हम बाजार जा रहे हैं, फिर हम ऊपर जाएंगे घर पे तो बाजार बंद हो जाएगा। पहले वहाँ जा रहे हैं बाजार, फिर आ चुकी हूँ। और आ तो मैं बहुत पहले गई थी, लेकिन एक बार आके हेलमेट वगैरह देके तो फिर हम दोबारा चले गए सब्जी लेने, क्योंकि बाजार बंद हो जाता 11:30 हो गए थे मेरे को यहाँ पे आए आए, मतलब आते आते 11:30 हो गए थे। तो हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर करना, और बटन को दबाना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना हमारी वीडियो। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, हमारी वीडियो आगे बढ़ाओ। चलो बाय कह रहे हैं तो बाय कर देते हैं, बाय। फिर मिलेंगे हम आपको अपने अगले वीडियो में। तो राम राम जी राघव।